बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इमरान सर फ्रॉम एफईआर, दिस क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 8, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट। जैसा कि 9th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इस वक्त दुनिया में सबसे डोमिनेंट गवर्नमेंट यही है। अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, लेकिन ये जो पेस है ये एकदम से सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इसका जो हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दुनिया की तमाम कंट्रीज पर पड़ने लगा। और हम देखते हैं कि इस वक्त तकरीबन 70 to 75% जो कंट्रीज है दुनिया में वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। शायद ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए कामयाब हुई क्योंकि इसके खिलाफ कोई सीरियस चैलेंजर खड़ा नहीं हुआ, अल्टरनेटिव खड़ा नहीं हुआ। जैसे कि पहले मोनार्की या डिक्टेटरशिप वगैरह जो हुआ करती थी, उसके बाद जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी उनसे बेहतर लगने लगी। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अगर हम देखें तो इसके खिलाफ इस वक्त कोई सीरियस कंटेंडर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो ये चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है ये मतलब चैप्टर का नाम भी, तो ये चैलेंज जो होता है ना यूजुअली अगर हम बात तो ये चैलेंज होता है डेमोक्रेसी में या किसी भी जगह में ना, तो ये हम कह सकते हैं कि तो चैलेंज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इसको डिफिकल्टी कहते हैं। तो अगर हम देखें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमें डेमोक्रेसी में कोई भी चैलेंज या कोई भी डिफिकल्टी पेश आती है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ओवरकम करेंगे तब जाके हमें प्रोग्रेस मिलेगी, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो वो एक चैलेंज है, लेकिन उसको हम फ्री एंड फेयर तरीके से हासिल कर सकते हैं, तो उस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी चैलेंज को ओवरकम करते हैं तो उसके बाद हम उसके ऊपर के लेवल पर जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो है उनके पास फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 10th क्लास का एग्जाम पास करना एक चैलेंज है, लेकिन उसको वो ओवरकम कर सकते हैं, उस डिफिकल्टी को वो फेस करेंगे, उसके बाद उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। उसके बाद 11th है, 12th है, उसके बाद नीट वगैरह एग्जाम है। तो इसी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन उसको हम ओवरकम कर सकते हैं और धीरे धीरे हम डेमोक्रेसी को बहुत अला लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो कुछ चैलेंजेस है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें फाउंडेशनल चैलेंज आपको याद ही होगा कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर भी डेमोक्रेसी आई है वहां पे रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से या फिर वहां पे जो लोगों ने वहां पे जो हुक्मरान थे चाहे वहां पे डिक्टेटरशिप थी या मोनार्की थी उनको प्रेशराइज किया या उनको मजबूर किया कि वहां की कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए। इस वक्त भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, तकरीबन 1/4 जो है कंट्रीज इस वक्त दुनिया में वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट है, तो वहां पे भी एक चैलेंज है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वहां पे उनको सबसे पहले जो उनके पास चैलेंज है फाउंडेशनल चैलेंज, उनको अपनी कंट्री में फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन कंट्रीज के लिए, जैसे कि चाइना है, सऊदी अरेबिया है, मैक्सिको वगैरह है, तो उन कंट्रीज में इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, या फिर नॉर्थ कोरिया। दूसरा चैलेंज जो है वो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये अप्लाई होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो प्रिंसिपल्स है वो लागू करने हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जैसे कि हमें इंश्योर करना है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स शेयर करता है प्रोविंस या स्टेट्स के साथ, उसके बाद स्टेट पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ, इसी तरह से जो वुमेन है या माइनॉरिटीज है उन ग्रुप्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने,
वो भी चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन में आते हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, सोशल ग्रुप्स है, या मतलब जैसे कि हम इस वक्त रैशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, अगर हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, उन चैलेंजेस को हम कर सकते हैं मतलब कामयाबी के साथ, तो हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ही हम कह सकते हैं आजादाना तरीके से वहां पे लोग रह सकते हैं, वहां पे एंजॉय अपनी लाइफ कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है, इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी पहले से ही आ चुकी है, लेकिन अभी भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने अभी कहा, या तो वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते, या फेडरल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या सोशल ग्रुप्स को पूरी तरह से इक्वल राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इंडिया, यूएसए वगैरह जो कंट्रीज है वो इस तरह के चैलेंज को अभी भी फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम देख सकते हैं कि दुनिया की हर एक कंट्री किसी न किसी तरीके से इस तरह के चैलेंज को मतलब फेस कर रही है। यहाँ पे जरूरी क्या है कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस जुडिशियसली इंडिपेंडेंटली काम करे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में इस वक्त भी जो जुडिशरी है या जो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट वगैरह, वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम्स है। वहां पे जो जो डेमोक्रेटिक हुक्मरान है, मिनिस्टर्स वगैरह है, ये जुडिशरी वगैरह उनके इशारों पे काम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह के मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि हमने अपनी डेमोक्रेसी जो है पूरे उन प्रिंसिपल्स पर बनाई है जो प्रिंसिपल्स हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में हर रिलीजन को इक्वल राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कहती है कि हम एक सेक्युलर कंट्री है। इसके अलावा कास्ट को बिल्कुल भी, या अनटचेबिलिटी वगैरह को बिल्कुल भी खत्म कर दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, लेकिन अभी भी इस तरह के इश्यूज वगैरह सामने आते हैं जिसमें हम देखते हैं कम्युनल राइट्स होते हैं या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होती है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अहम रोल अदा करती है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल चलना पड़ता है, जो उसी हिसाब से फ्रेम करना पड़ता है, उसी हिसाब से एडमिनिस्टर करना पड़ता है अपनी कंट्री को। इसके अलावा भी कुछ और हम कह सकते हैं चैलेंज है, डेमोग्राफिक राइट्स है, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर हम ओवरकम करें, जैसे कि डेमोग्राफिक राइट्स है, यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, तो उन सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो उन सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है, ये देखना चाहिए। एफिशिएंट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाहे जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर, क्या सभी इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से काम करती है, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी ये देखने को मिलता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, तो हम क्या देखते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर आप देख गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करती है या लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करती है, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को देती है, जैसे कि इंडिया में म्यूनिसपैलिटी है, पंचायती राज है, तो क्या उन जगहों पे उनको पूरे पावर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, क्या उनको अपने हिसाब से राइट्स वगैरह उनको दिए जाते हैं, क्या वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि उनके हित में डिसीजन वगैरह लाई जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था मास मोबिलाइजेशन वगैरह के बारे में, तो
तो इंशाल्लाह आगे हम और भी हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको आपको ध्यान से समझना। डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है आपकी बुक में, और आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा चैलेंज यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बैलेट बॉक्स का पहले इस्तेमाल होता था वोट डालने के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो चीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो अगर सबसे पहले तो ये रिगिंग में आता है जो इलेक्शंस में होते हैं, क्योंकि ये इस पिक्चर से दिखाना चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो ये कौन सा चैलेंज है। तो ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का जो चैलेंज है, जो हमने तीन मेन चैलेंज पढ़े थे उनमें से डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का चैलेंज यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे कार्टून है जहाँ पे ये गन वगैरह का इस्तेमाल दिखा रहे हैं। तो यूज ऑफ मसल पावर इन इलेक्शन, तो इलेक्शन में मसल पावर का इस्तेमाल होता है, तो ये भी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ही यहाँ पे दिखा रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो वुमेन वगैरह है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि अगर हम देखें किसी भी पार्लियामेंट में, तो बहुत सारी अगर इंडिया की एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे पार्लियामेंट में मेल डोमिनेंस है, मेल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये भी एक चैलेंज है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन में पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ही आता है ये चैलेंज। मनी का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट तक पहुंचना मिनिस्टर्स के लिए, एमएलए वगैरह के लिए जो लेजिस्लेचर्स में फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, या जो पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, इस तरह से मनी का इस्तेमाल करके वो इन आला पोजिशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो कार्टून वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, तो इनसे कौन कौन सा चैलेंज ये दिखाना चाहते हैं, तो आपकी बुक सॉरी ये जो नोट्स वगैरह है वहां पे भी मैंने ये सॉल्व करके दिया है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि किस तरह की। इसके अलावा आपकी बुक में और एक चीज आती है, केस एंड कंटेक्स्ट योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी इन दैट सिचुएशन। तो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की एग्जाम्पल दी गई है जो केस है वहां पे, और दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखी गई है। तो मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं दिखा सकता था क्योंकि ये स्लाइड फिर बड़ी हो जाती और इसका साइज छोटा हो जाता। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केस है मैक्सिको का, सेकेंड फ्री इलेक्शन आफ्टर द डिफीट ऑफ पीआरआई इन 2000, डिफीटेड कैंडिडेट्स एलेगेंस रिगन। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए मैक्सिको में, तो वहां पे 2002 में जो हारने वाली पार्टीज थी उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है उस सिचुएशन की, तो होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट एनी माल प्रैक्टिस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द रीनिंग गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये बाजब तौर पे इंश्योर करना है वहां पे कि जो इलेक्शन कमीशन है वहां पे फ्री एंड फेयर तरीके से वहां पे इलेक्शंस कराए जाए, और जो रूलिंग पार्टी है वो ज्यादातर पावर का इस्तेमाल ना करे। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो वहां पे भी लगाना चाहिए ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो मतलब अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। इस तरह से चाइना की प्रॉब्लम है, द कम्युनिस्ट पार्टी अडॉप्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट मेंटेन्स द मोनोपोली ओवर पॉलिटिकल पावर। तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी उन्होंने अपनाई है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है चाइना में, जो कि सारी पावर्स वगैरह अपने हाथों में लेते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं सोल्यूशन क्या है, तो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि वहां पे मल्टी पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अगर वहां पे होंगी, तो अगर एक पार्टी गलती करेगी, अगर वो रूलिंग पार्टी भी होगी, तो दूसरी पार्टी जो है वो अपोजिशन का काम करेगी ताकि उनकी गलतियां लोगों तक पहुंचाए। इसी तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ होल्ड्स रेफरेंडम एलिगेशन ऑफ फ्रॉड इन द वोटर्स लिस्ट। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम किया था पाकिस्तान में, और वहां पे उनको घोषित किया गया था कि वो विनर है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी कहीं पर रेफरेंडम हो तो वहां पे फ्रॉड वगैरह नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी वो इलेक्शन मतलब जो है वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, फ्री फेयर तरीके से होने चाहिए। वाइड स्प्रेड सेक्टेरियन वायलेंस एज द न्यू गवर्नमेंट फेलर्स टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी। तो जो नई गवर्नमेंट बनी थी इराक में, वहां पे अलग अलग सेक्शन के लोगों को
को मारा गया, वहां पे काफी ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए। टू प्रिवेंट द किलिंग बेस्ड ऑन सेक्ट्स, तो वहां पे जो सेक्ट बेसिस किलिंग्स होती है शिया सुनीज के बीच में, वो रुकनी चाहिए, तो वो एक सोल्यूशन है। साउथ अफ्रीका, मैंडेला रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, प्रेशर ऑन हिज सक्सेसर एमबी की टू विदड्रॉ सम कंसेशंस गिवन टू द व्हाइट माइनॉरिटी। तो मंडेला ने जब रिटायरमेंट ली, रिटायर हुए वो, तो उसके बाद उनका जो सक्सेसर था एमबी, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आया था कि वो कुछ कंसेशन उसको कम करे जो उन्होंने व्हाइट्स को दिए थे। टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे सोल्यूशन यही है कि जो डोमिनेंस है मेजोरिटी कम्युनिटी की, क्योंकि अब वहां पे मेजोरिटी में ब्लैक्स है, तो उनकी डोमिनेंस माइनॉरिटीज पे नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें दी गई है, तो वहां पे मैंने ये नोट्स में सॉल्व करके भी दिए हैं, और आप खुद भी इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस जो फेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ सॉल्व करके दिए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने पढ़ी थी 9th क्लास में भी, कि जो साउथ अफ्रीका है या इंडिया है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह किस तरह से बनी। इट इज रिलेटेड टू फॉर्मिंग अ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिविंग राइट्स एंड फ्रीडम टू पीपल। इट अपील अप्लाइज टू फॉर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, चाइना, बेल्जियम, नेपाल एंड पोलैंड। तो जो हम कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, तो नेपाल भी रिसेंटली अब डेमोक्रेटिक हो चुकी है, इसी तरह से बाकी कंट्रीज के लिए भी ये जरूरी है। और पोलैंड जो पहले एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में, अब वो भी डेमोक्रेटिक हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह वहां पे भी होनी चाहिए, ताकि जो वहां पे अलग अलग किस्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज लिंगुअल ग्रुप्स के, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो बेल्जियम ने भी काफी ज्यादा सॉर्ट आउट किया है, वहां पे भी अकोमोडेशन हुई है अब डेमोक्रेटिक राइट्स, तो डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए लोगों को, क्योंकि ये बेसिक राइट्स होते हैं जो लोगों को मिलने चाहिए। अभी भी सऊदी अरेबिया, गुआंटानामो बे, पोलैंड, इन इंडिया, इवन अगर हम देखें गाँव में जो वहाँ पे इंडिया के होते हैं, वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिलती है। तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये सोसाइटी के हर एक तबके के लोगों को मिलने चाहिए। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैलेंज टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक मैक्सिको, म्यांमार, चाइना वगैरह में जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जहाँ पे वहाँ पे जो जुडिशरी होती है, वहाँ पे जो लॉ मेकिंग बॉडी वगैरह होती है, तो वो बिल्कुल एक तो करप्ट होते हैं, दूसरा उनकी डोमिनेंस वहाँ पे होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि मैक्सिको, चिले, चिले जो पोलैंड वगैरह में काफी ज्यादा ये खबरें देखने को या सुनने को मिलती है कि वहां पे रिगिंग वगैरह होती है, इलेक्शन में माल प्रैक्टिस होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये चैलेंज भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जितने भी हमने अब तक पढ़े, इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अगर यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट वगैरह होती है वो ना करे, तो लोग इसके खिलाफ एहतजाज वगैरह कर सकते हैं, ताकि लोगों के प्रेशर के अंडर में जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाए कि वो चेंजेस लाए। फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोकल लेवल, तो लोकल लेवल्स पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप आना चाहिए, जैसे कि यूगोस्लाविया, बेल्जियम। अगर इंडिया में हम देखें यहाँ पे लिंग्विस्टिक इक्वालिटी होनी चाहिए, अलग अलग मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें तमिलनाडु वगैरह में अभी भी लोग काफी ज्यादा नाराज है, यहाँ वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे लोगों को हमेशा मतलब कहती आई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या नॉर्थ इंडिया है वो हिंदी लैंग्वेज जो है हम पर इम्पोज कर रहे हैं, हमें हिंदी का विरोध करना चाहिए। तो ऐसा ऐसी चीजें जो होती है ये कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इनसे जो है चैलेंजेस को तो हम खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इनशाला इसमें और भी कुछ टॉपिक है, इनशाला अगली वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, अमान अल्लाह।